आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब चित्रकूट में उमड़ पड़ा। चित्रकूट में माता सती अनसुईया के तपोबल से अवतरित हुई पतित पावनी माँ मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने पितरों का तर्पण किया। साथ ही भगवान श्री कामतनाथ के दर्शन और पूजन के बाद जय श्री राम के जयकारों के साथ कामदगिरी पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाई। पितृ विसर्जनी अमावस्या का महात्म्य चित्रकूट में सर्वाधिक है, क्योंकि एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का जब स्वर्गवास हुआ और इसका संदेशा भरत जी के माध्यम से भगवान को चित्रकूट में ही प्राप्त हुआ, और यही राम घाट के सामीप्य में राघव प्रयाग घाट में उन्होंने अपने पिताजी का वो श्राद्ध किया, और उसी तारतम्य में आज भी माँ मंदाकिनी में अनेक बार दूध की धारा प्रवाहित होती है, और ऐसी यहाँ के लोगों की मानना है, धारणा है कि प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार से त्रेता युग में अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया था, दूध की धारा से अभिषेक किया था माता मंदाकिनी का, उसी प्रकार से वही धारा आज भी इस माँ मंदाकिनी में प्रवाहित होती है, और ये माँ मंदाकिनी सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। प्राचीन मान्यता अनुसार पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ही प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान चित्रकूट की मंदाकिनी के राघव प्रयाग घाट में उन्होंने अपने पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का तर्पण किया था। माना जाता है कि देव गंगा मंदाकिनी में तर्पण करने से जीवात्मा को मुक्ति मिलती है, यही वजह है कि लोग यहां आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। चित्रकूट से रतन पटेल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। बाल विकास परियोजना कार्यालय नई मंडी में पोषण मेले का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजूलता यादव के मार्गदर्शन में किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक सौरभ बहुगुणा ने फीता काट कर किया। विधायक ने अति कुपोषण बच्चों को अपने हाथों से महालक्ष्मी किट, स्वच्छता किट आदि वितरण की।